उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन सदन में राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण पर चर्चा के वक्त संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भावुक हो गए। राज्य आंदोलन के दिनों को याद करते हुए उनकी आंखें नम हो गई। पक्ष और विपक्ष के विधायकों के आंदोलन आरक्षण विधेयक को संशोधन की मांग के साथ खुद को जोड़ते हुए उन्होंने प्रस्तावित विधेयक को प्रवर समिति को देने की घोषणा की है। वहीं मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि वह खुद राज्य आंदोलनकारी रहे हैं और आंदोलन के दौरान जो अत्याचार उन पर हुए हैं उन्हें शब्दों में बयां नहीं किए जा सकते। उन्होंने कहा कि सदन की भावनाओं का सम्मान करते हुए विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का निर्णय लिया गया है। प्रवर समिति की संस्तुति के अनुसार आगे निर्णय लिया जाएगा। पहली निर्वाचित सरकार और सदैव नारायण दत्त तिवारी जी के कार्यकाल में 2004 में जो हमारे राज्य आंदोलनकारी हैं, जिनका बहुत बड़ा योगदान है राज्य के निर्माण में, उनको 10% का 36 आरक्षण दिया गया था। और माननीय उच्च न्यायालय ने उस वक्त कई हमारे आंदोलनकारी को रोजगार भी दिया गया, सरकारी नौकरी में रखा भी गया, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने उस आरक्षण को अवैध घोषित कर दिया। उसके साथ साथ आज वो ऐतिहासिक क्षण भी आया था कि जब अपने शहीद हुए उत्तराखंड के अमर शहीद उन के और चिन्हित आंदोलनकारियों के जो परिजन हैं उनको 10% क्षितिज आरक्षण की बात का जब विषय आया तो मैं समझता हूँ कि उस विषय पे सबने अपनी राय रखी, अपने अपने सुझाव दिए। हालांकि उसको विपक्ष ने और सभी लोगों के कथनानुसार उसको प्रवर समिति को सौंप दिया गया, लेकिन मेरे लिए तो बहुत भावुक क्षण था क्योंकि मैं एक आंदोलनकारी रहा हूँ। और उस समय मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि जब हम लोग आपसी नोकझोंक में थे